हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हम आप लोग के सामने खीरे के बारे में बताने जा रहे हैं। आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक से सुने। खीरा क्या क्या काम करता है, क्या क्या नुकसान करता है, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और किस समय खाना चाहिए, और इसमें विटामिन्स कितनी पाई जाती हैं, ये सब संबंधित आप जानकारी लीजिए और ध्यानपूर्वक से आप हमारी बात को सुनिए। तो दोस्तों, खीरा क्या है? तो दोस्तों, खीरा एक तरल खाद्य पदार्थ है जिसको खाने से पानी की डिहाइड्रेशन को पूर्ति करता है। जैसे पानी का कमी है शरीर में तो इसको पूर्ति करता है, जिसके कारण आपको लू नहीं लगता है। आप धूप में जाते हैं, लू नहीं लगता है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह जो होती हैं ये सब नहीं होते हैं, मॉइस्चराइजिंग बनाता है, और आपको गैस संबंधित प्रॉब्लम होती है तो इसमें ये काम करता है। और दोस्तों, पित्त विकार, जैसे पित्त जिसको बनता हो, जैसे पलटी जिसको होती हो, या एसिडिटी के वजह से आप ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं, उस समय किसी किसी व्यक्तियों का जी मिचलाता है, इस सब संबंधित के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, और इसमें ब्लड प्रेशर, बीपी जिसकी कम रहती है हमेशा, उसके लिए बीपी बढ़ाने के लिए ये खीरा बहुत अच्छा उपयोगी है। और क्यों उपयोगी है? तो दोस्तों, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हार्ट को भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करता है। तो दोस्तों, हम आप लोग को यही बताएंगे, ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खीरा खाएं, और इनका एक समय होता है, निर्धारित समय होता है कि इसी के अंदर में आप खीरा खा सकते हैं। तो खीरा खाने का समय 10 बजे से 2 बजे तक आप खीरा खाएं, और खीरा खाने से आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके इसमें दोस्तों पहली बात यह है कि सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से आपको ब्लड प्रेशर आपको बढ़ाया जाता है मतलब सोडियम की वजह से, और सोडियम से कई गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम की वजह से आप इसको संतुलन करना, जिससे हार्ट वालों के लिए अगर खिलाया जाए खीरा तो हार्ट वालों में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है यदि इसमें पोटेशियम नहीं होता तब। तो पोटेशियम जो है हार्ट वाले पेशेंट के लिए ये कंट्रोल कर देता है। तो दोस्तों, अब आप जान लीजिए, और गैस एसिडिटी जिसको बनती है इसमें भी ये खीरा बहुत अच्छे तरीके से फायदा करता है। खीरा की तासीर जो है बहुत ठंडी होती है, ये जो है आपके पेट को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, ठंडा बनाए रखता है, और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बदहजमी हो, गैस हो, ये सब संबंधित बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और फाइबर इसके छिलके में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, छिलका आप छिलकर ना खाएं तो बेहतर होगा, छिलके में ही फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप छिलका निकाल कर खाते हैं तो फाइबर इसके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा रह जाते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि 70% जो है फाइबर ख़त्म ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये खीरा 95% इसमें जल होता है, और 5% इसके एसिडिटी आप इंक्वायलेट होता है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप ब्लड प्रेशर वाले मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। और दोस्तों, इसके नुकसान क्या क्या हैं इसको भी आप जानिए। इससे नुकसान जैसे सांस रोगी संबंधित, सांस संबंधित मरीज को बिल्कुल ना दें, खांसी जिनको आ रही है उनको बिल्कुल ना दें, ये जो है घुटना और कमर दर्द ये सब संबंधित आप उन लोग को बिल्कुल ना दें। और खीरा जो है गर्मी में खाना बहुत उपयोगी होता है, और सिर्फ उन्हीं लोग व्यक्ति के लिए ये हानिकारक होता है जिनको सांस संबंधित हुए, गठिया बात बिहार हुए, या जो है किसी भी प्रकार की जैसे समस्या पाई जाती है, इसी सब लोगों को आप ना दीजिए। ये सब लोगों को संबंधित जो पाए जाते हैं लोग उनको ना दो। तो दोस्तों, अब आपको हमने बता दिया है खीरा कब और कैसे, किस समय, इसमें विटामिन्स क्या हैं, और किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। हम अपनी बात को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए हैं, और हम अब अपनी बात को यहाँ विराम रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।